हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक स्मार्ट बाइकर्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बजाज पल्सर 150 BS6 2021। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं बजाज जो आज एक ब्रांड बना है वो बजाज पल्सर 150 का बहुत बड़ा योगदान है बजाज को आज इस पोजीशन पे पहुंचाने का। जैसे आप सभी जानते हैं बजाज 90s में सिर्फ स्कूटर मैन्युफैक्चर करता था बजाज चेतक, बट आज की डेट में बजाज के पास मल्टीपल ऑप्शन है बाइक्स के 100cc से लेके और 400cc तक, दैट मींस मैं सीटी 100 से लेके और डोमिनार तक की बात कर रहा हूँ। तो आपको बजाज बहुत सारे वेरिएंट प्रोवाइड करता है जिसमें से सबसे सक्सेसफुल इनका जो टू व्हीलर है वो बजाज पल्सर 150 है। तो आज हम बजाज पल्सर 150 के ही रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों बजाज पल्सर में आपको 149 का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है जो काफी ज्यादा सफिशिएंट है डेली कम्यूट करने के लिए, डिलीवरी जॉब्स के लिए और कोरियर सर्विस के लिए, या फिर आप डेली ऑफिस कम्यूट करते हैं तो ये बाइक काफी अच्छा है। आप अगर डेली अगर आप 100 किलोमीटर भी करते हैं तो काफी सफिशिएंट है इसका इंजन परफॉर्मेंस वाइज। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर जो हमारा 2018 या 19 वाले मॉडल थे वहां पर बजाज ने किक को लेस कर दिया था, किक हटा दी थी, बट यूजर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए उन्होंने 2021 वाले मॉडल के अंदर किक को दोबारा से ऐड कर दिया है। अब ये आपको सेल्फ प्लस किक मिलती है इस मॉडल में, जो काफी अच्छी बात है इंडियन यूजर्स के लिए, बिकॉज अगर आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप किक से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बाइक को धक्का मारने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी माइलेज की, तो बजाज क्लेम करता है 65 किलोमीटर पर लीटर, बट ये डाइजेस्टिव नंबर नहीं है, मैं प्रैक्टिकल और रियल बात करता हूँ। ये आपको मैक्स टू मैक्स 50-55 का एवरेज दे दे वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जिस हिसाब से हमारे रोड की कंडीशन है यहाँ पर बाइक का माइलेज आपको वो नहीं मिलना है। हाईवे पे आपको 60 मिल सकता है, बट वो भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप ये 65 का नंबर ना लेके सोचें, आप इसको कंसीडर करें 55 किलोमीटर पर लीटर के अकॉर्डिंग। तो हम बात कर लेते हैं इसका जो रिजर्व है, जो दैट मींस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस वीडियो का बोनस पॉइंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो इसका रिजर्व है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं यार मेरी बाइक में रिजर्व कब लग रहा है, तो बजाज पल्सर 150 BS6 2021 में आपका 3 लीटर पेट्रोल पे आपका रिजर्व लग जाता है, दैट मींस 3 लीटर पेट्रोल जब होगा आपकी गाड़ी रिजर्व में लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दोस्तों जो इसका कर्व वेट है उसकी बात कर लेते हैं, इसका कर्व वेट 148 किलोग्राम है, दैट मींस ये डेढ़ टन का होगा, दैट मींस 148 केजी का है ये, तो ये काफी ठीक ठाक वेट है, इसे इंडियन इजीली कैरी कर पाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज ज्यादा हैवी वेट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सीट हाइट की। दोस्तों यहाँ पर सीट हाइट का एक काफी ज्यादा एक दैट मींस ये डिस्कशन काफी ज्यादा, मैं क्या बताऊं कि कोई कहता है कि नहीं यार मैनेज हो जाता है, कोई कहता है मैनेज नहीं हो पाता, बट मैं आपको बोलूंगा कि यार अगर आपकी हाइट 5'1" 5'2" है तो आप ये ना लें, बिकॉज आपको राइड करने में इजी नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप 5'3" प्लस हैं, मतलब 5'3" से ऊपर के हैं, तो ये बाइक आपके लिए डेफिनेटली है। तो ये डिसीजन आपको देखना है कि आप इसे किस तरीके से यूज कर पाएंगे हाइट वाइज। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कलर्स की। जो कलर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं इसमें, स्पायर ब्लू, पर्ल व्हाइट, वॉल्केनिक रेड, स्पार्कले ब्लैक, पर्ल व्हाइट, नियोन सिल्वर, नियोन रेड एंड नियोन लाइम ग्रीन। ये जो नियोन लाइम ग्रीन है ये बहुत ही प्यारा कलर है, आप इसे देखेंगे तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे इस कलर की तरफ। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो इसके अंदर लाइटिंग जो फीचर्स दिए हैं या लाइटिंग जो इन्होंने प्रोवाइड की है वो किस टाइप की है। तो जैसे बेसिकली हेडलैम्प में आपको अभी भी हैलोजन बल्ब मिलता है, LED नहीं मिलता है। जो साइड इंडिकेटर्स हैं वहां पर भी अभी आपको मिनी बल्ब मिलता है, LED नहीं मिलता। LED के जो आप सिर्फ आपको एक जगह देता है बजाज पल्सर 150 LED देता है, आपको टेल लैंप में जो काफी टाइम से इनका ये बेसिक मॉडल है ये इसमें LED देते आ रहे हैं।
तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके पावर की और टॉर्क की। तो ये आपको 14 PS देता है 8500 RPM पे, विच इज सफिशियंट फॉर कम्यूटिंग। अगर आप डेली कम्यूट करते हो तो इनफ है यार, बिकॉज दिल्ली NCR या आप कहीं पर भी लोकल भी रहते हैं तो आप कितना इसे फोर्स कर लोगे इसके इंजन को। तो इट मीन्स परफॉर्मेंस वाइज ठीक है ये बाइक। मैक्स टॉर्क की बात कर ले, 13.25 Nm मिलता है आपको 6500 RPM पे, विच इज गुड फॉर ये 150cc का बाइक है, और दैट मीन्स इसको कम्यूटिंग के लिए बनाया है तो ठीक है, इसका पावर और टॉर्क काफी ठीक है इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। तो दोस्तों जहाँ पे ब्रेक्स हैं, यहाँ पर आपको बजाज ने 2 to 3 ऑप्शन दिए हैं। आपको फ्रंट में डिस्क कंपलसरी ही मिल जाता है, देन आप रेयर में आपके पास ऑप्शन है कि आपको ड्रम लेना है या डिस्क लेना है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि यार यहाँ पे जो ABS है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाले व्हील में दिया है, दैट मीन सिंगल चैनल ABS है। यहाँ पर ABS अगर ये दोनों टायर्स में होता तो काफी ज्यादा बेटर था, दोनों व्हील्स में होना चाहिए था, बिकॉज ABS एक सेफ्टी फीचर है। बट कोई बात नहीं, अब इतने बजट में यार आपको ये दे रहा है वही बहुत है। हम बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, विच इज सफिशियंट फॉर इंडियन रोड्स। दैट मीन्स आप ब्रेकर पे आपका इंजन नहीं लगने वाला है, और आप अगर थोड़ा सा भी स्लोप में जाएंगे तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, काफी ठीक ठाक है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वारंटी। बजाज आपको क्लेम करता है यहाँ पे 2 years 30,000 kilometer का वारंटी, दैट मीन 30,000 kilometer के अंदर 2 साल के अगर कुछ भी आपके इंजन में प्रॉब्लम होती है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करके देगा, या जो भी प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व करके देगा। इसकी टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं, ये नंबर मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा बट ये ऑन पेपर था तो मैं आपको बताने वाला हूँ, 115 km/h। तो स्पीड काफी ज्यादा बताई है, बिकॉज ये जिस हिसाब से इसका जो टॉर्क और पावर है मुझे नहीं लगता 115 की स्पीड पे, दैट मीन्स अब चली भी गई होगी, किसी ने भगाई भी होगी, बट मुझे नहीं लगता कि इतना होगा। बट इसका जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 115 km/h की स्पीड है। अब दोस्तों मेन इसकी बात कर लेते हैं, इसके मेन कॉम्पिटिटर कौन है इंडियन मार्केट में। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बताया है ये वो, बट इसके जो बेसिकली कॉम्पिटिटर है वो दो ही है, TVS अपाचे एंड हीरो एक्सट्रीम। ये दोनों के दोनों बाइक इसके मेन कॉम्पिटिटर है, बाकी लोगों ने शाइन भी बताई है और भी बताए हैं, बट वो बिल्कुल भी इसके कॉम्पिटिटर नहीं है। इसके कॉम्पिटिटर सिर्फ दो हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके लास्ट रह गया है रीजन जो है परचेज करने वाला, वो आती है बात प्राइसिंग पे। ये आपको बाइक दिल्ली मिल जाती है ऑन रोड 1,19,000। यार 1,19,000 एक काफी अच्छा खासा अमाउंट है। तो देखिए यार बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बोनस पॉइंट है आपके लिए अगर आप ये बाइक खरीदने का सोच रहे हैं। सुनिए, 1,20,000 रुपए में अगर आपको बजाज पल्सर मिल रही है तो आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं यार। देखिए आप देख सकते हैं TVS अपाचे देख सकते हैं, आप हीरो एक्सट्रीम देख सकते हैं। देखिए यार डिसीजन आपका है, बट मैं आपको और बेटर परफॉर्मेंस के ऑप्शन बता रहा हूँ। आप अगर थोड़ा और खर्च करेंगे 8 से 10 हजार रुपए तो आप यामा की FZS देख सकते हैं, या फिर यामा की FZX देख सकते हैं। ये जो न्यू वाला मॉडल आया है वो भी काफी अच्छा है, रेट्रो लुक में है। तो यार यहाँ पर 1,20,000-19,000 फंसाने से अच्छा है आप 5-10 हजार रुपए और फंसाइए और बेटर चीज लीजिए, बिकॉज बजाज की मैं बार बार हर अपने वीडियो में ये कहता हूँ, बजाज की जो क्वालिटी है वो आज भी यामा होंडा हीरो को तो मैं काउंट नहीं करूंगा इस क्वालिटी जो वाइज है, जो क्वालिटी की जो है, बट यहाँ पे होंडा और यामा को तो काफी, दैट मीन्स काफी पीछे है होंडा और यामा से। तो आप देख सकते हैं होंडा की एक्स ब्लेड देख सकते हैं, हॉर्नेट देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप जैसे मैंने आपको बताया यामा की FZX जो RI है वो भी देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको सजेशन दिया, ये बोनस पॉइंट है यार, ये डिसीजन आपका है। बट बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक काफी अच्छी है, बजाज का अच्छा सर्विस नेटवर्क है, बजाज की पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो आप अगर सोच रहे हैं कम्यूटर बाइक लेने का तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए।
दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका दोस्त कोई भी 150 सीसी बाइक लेने का सोच रहा है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए यार, उनकी बहुत हेल्प होने वाली है, वो थैंक यू बोलेंगे आपको इस वीडियो के लिए, बिकॉज ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।